हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वहीं हरियाणा सरकार ने सख्त नियमों के साथ दोबारा स्कूल खोलने के निर्देश दिए थे, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले में निजी स्कूल संचालक हरियाणा सरकार के नियमों की धज्जियां सरेआम उड़ा रहे हैं। यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही मास्क के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चों को बसों में ठूस ठूस कर भरे जा रहे हैं और उनके जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। भले ही सरकार कितने भी नियम क्यों ना बना ले, लेकिन निजी स्कूल संचालक बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। महेंद्रगढ़ जिले के एक बड़ी संस्था जिस पर हरियाणा सरकार के मंत्री मेहरबान हैं, ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्कूल पर कार्रवाई कैसे की जा सकती है। मंत्री कोटे से जिला महेंद्रगढ़ की आरपीएस स्कूल को करीब 31 लाख से ज्यादा की ग्रांट दी गई, बावजूद उसके वही स्कूल आज बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हालांकि जब खंड शिक्षा अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा जरूर दिया है। ओवर क्राउड तो कहीं भी हो, बच्चे के लिए जो है ना, ये कहीं भी अनुमति नहीं है, चाहे बसेज की हो चाहे क्लासेज की हो। अगर ऐसी कोई हमारे सामने आएगी तो निश्चित रूप से उस स्कूल को बुलाकर एसओपी उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे और एसओपी का पालन करवाएंगे। बीच में थोड़ा सा निश्चित रूप से सारे समाज में थोड़ा सा इसमें ढीलापन आ गया था, लेकिन अब तो बहुत टाइट है मास्क के लिए। और आज ही हम दोबारा से सभी प्राइवेट स्कूल्स को फोन के लिए और उनको लेटर डालकर सबको जो है ना मास्क के लिए आज ही डायरेक्शन दे देंगे। ऑलरेडी दी हुई है वैसे तो, लेकिन आज फिर सख्ती करेंगे थोड़ा सा, उनको दोबारा लागू करवा देंगे। एसओपी के तहत जो नियमों के उल्लंघन के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है और हमने किया भी है एक आधी स्कूल के लिए।